जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज के A34 टेस्ट सीरीज का जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आए हैं। देखिए A34 जो टेस्ट लिया गया था उसका टॉपिक था मानव कंकाल एवं मांसपेशीय तंत्र, जिनमें जो है मानव अस्थियों से जो है ज्यादा जो है क्वेश्चन जो आपको जो है PPSC में जो है पूछा गया है। तो चलते हैं ज्यादा न देर करते हुए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर ई इसलिए होगा क्योंकि इसका आंसर जो है ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था ऑप्शन में, तो इसका आंसर होना चाहिए था 29 यानी 29 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है, जो स्टूडेंट जो लूसेंट से पढ़े होंगे वो जो है यहाँ पर जो 22 टिक कर सकता है 22, लेकिन लूसेंट भी देखिए क्या कर दिया है। तो लूसेंट भी जो शुरुआत में जो है 22 लिखा है, लेकिन अगर उसके चार्ट में जाइएगा तो वहां पर जो है वो जो है 29 लिखा है। तो इससे भी जो है आपको जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। वैसे अगर आप गूगल पर सर्च कीजिएगा तो गूगल पर जो है 28 दिखाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। तो आपको क्या यहाँ पर आंसर देना था, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए था 29। देखिए अगर बात करें कि टोटल जो है खोपड़ी के अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो होती है 29 यानी 29 होती है। और अगर इसमें अगर पूछे कि कैसे आप प्रूव कीजिएगा कि 29 होती है, तो देखिए 8 जो अस्थि होती है वो जो मस्तिष्क के चारों ओर होता है और 6 अस्थि जो है कान के मध्य में होता है। तो कितना हो गया, 8 और 6 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। और 14 जो अस्थि और होती है वो जो फेस के यानी कि चेहरे का जो कंकाल जो बनता है उसी में जो है यह जो है अस्थियाँ रहती है। तो कितना हो गया, तो 14 हो गया, फिर 14 हो गया, कितना हो गया, 28 हो गया। अब बात करेगा कि 29 पूरा ये, तो देखिए इसमें एक और अस्थि रहती है। कौन सी अस्थि रहती है, तो आपको ये नाम जो याद रखना है, तो उसका नाम है हाइओइड। क्या है, हाइओइड। और यह जो है कहाँ पर होती है अगर पूछे, तो ये जो कंठ के बीच जो जीवा जो होता है उसके नीचे जो है यह जो अस्थि जो है स्थित रहती है। तो आपको जो है क्या टिक करना है, 29 करना है। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर की जो पैर की हड्डी होती है वो कैसी होती है, खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है, कीलक होती है, तो कैसी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, खोखली होती है। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, लगभग लगभग में बोल रहा है। आपको जो यहाँ पर जो कंफ्यूज नहीं होना है, लगभग लगा दिया है तो कंफ्यूज हो जाइएगा कि हो सकता था कि कुछ और हो। देखिए जन्म के समय जो है बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 300 हड्डियाँ होती है। और जब ये जो है शिशु अवस्था में आते हैं तो इसकी हड्डियाँ की संख्या कितनी हो जाती है, तो 213 हो जाता है। जैसे ही वह जो है वयस्क हो जाता है, वयस्क मतलब क्या, जब वह 20 वर्ष का हो जाता है तो उसकी अस्थियाँ क्या करती है, तो एक दूसरे से जुड़ कर जो है 206 पे आ जाती है। तो आप देख लीजिए जन्म के साथ जो कितनी हड्डियाँ होती है, 300, लेकिन जन्म के साथ ही जो है वो हड्डियाँ जो है एक दूसरे से जो है जुड़ने लगती है। तो जुड़ने के क्रम में आप देख लिए कि शिशु अवस्था में कितनी हो जाती है, तो 213 हड्डी हो जाती है। और जब वह जो है वयस्क अवस्था में आ जाता है 20 वर्ष की आयु में, तो उसकी हड्डिया की संख्या कितनी हो जाती है, तो 206 रह जाती है। तो आपको जो इतना चीज याद रख। चौथा नंबर का क्वेश्चन भी यहीं से सॉल्व हो जाएगा। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन है, वयस्क मानव में होती है, बोल रहा है कि क्या होती है, तो कितनी हड्डियाँ होती है, तो 206 होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आप दीजिएगा, तो इसका आंसर दे दीजिएगा बी दे दीजिएगा, 206। अब देखिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है। बोला कि मानव कंकाल में कितनी जो है हड्डियां हैं, तो कितनी है? अभी हम देखे थे 206 है। ये स्पेशल नहीं बोल रहा है कि जन्म के समय कितनी, बस नॉर्मल बोल रहा है कि मानव कंकाल में जो ज्ञात जो है हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 206 देना है। अब देखिए छठा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स होती है, और पूछ दे कि यह स्टेप्स हड्डी जो कहाँ होती है, तो आपको बताना है ये स्टेप्स हड्डी जो कान में स्थित होती है, यहाँ पर कान में स्थित होती है। अगर टोटल अगर कान की हड्डियों की बात करें, टोटल जो है 6 हड्डियाँ जो है मध्य कर्ण में होती है। मध्य कर्ण मतलब क्या, कान के बीच में होती है। तो आपको इतने चीज़ जो है याद रखना है। और वहीं अगर बात करें कि मानव शरीर की सबसे मजबूत एवं लंबी हड्डी कौन है, तो इसका आंसर क्या दीजिएगा, तो इसका आंसर आपको देना है जांघ की हड्डी। अब बोलेगा कि जांघ की हड्डी का तो आप बात कर दिए, नाम क्या है, तो नाम इसका क्या है, तो फीमर है। और यह कहाँ रहता है, तो यह जो है एसीटूबुलम में रहती है। कहाँ, एसीटूबुलम में रहती है। और इस हड्डी का जो है आगे का भाग जो है धंसा रहता है। अब देखिए आठवां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है मानव हड्डियों में जो सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। नवा क्वेश्चन है, प्रत्यस्थ उत्तक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहता है। देखिए जब तंतुमय उत्तक जो है हड्डियों को जो जोड़ देता है, दो हड्डियों को जो है जोड़ देता है, तो उसे क्या कहलाता है, लिंगामेंट कहा जाता है, यानी स्नायु कहा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्नायु हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए दसवां क्वेश्चन है, अस्थियों एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। देखिए इसके अलावा जो है फ्लोरीन की भी जो है आवश्यकता होती है, किसके अलावा, तो कैल्शियम और फास्फोरस तो होती ही है, लेकिन जो फ्लोरीन की भी जो है आवश्यकता होती है, ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि फ्लोरीन भी याद रखना। और अगर पूछ दे कि इन सभी तत्वों की अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, तो देखिए इन सभी तत्वों की अगर कमी हो जाए तो अस्थियों यानी कि हड्डियों और दंत यानी कि दांत जो संबंधी जो बीमारियां जो है उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए 11वां नंबर का क्वेश्चन है, यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक है। अब देखिए इसका ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन में देखिए कैल्शियम है, फास्फोरस है, फ्लोरीन है। तो अभी हम तुरंत बताए 10वां नंबर का क्वेश्चन में क्या बताए थे, किनकी किनकी आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम की होती है, फास्फोरस की होती है और फ्लोरीन की होती है। तो आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो आप इसको साइड कर दीजिए ना, तो किसकी आवश्यकता नहीं होती, तो आयोडीन की नहीं होती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, शेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 33 हो जाएगा। देखिए मनुष्य की पृष्ठ सतह पर मध्य भाग में जो है, आप बोलेगा कहाँ से कहाँ मध्य भाग में, तो सिर से लेकर कमर तक एक जो है लंबी एवं मोटी छड़ के समान क्या होती है, तो हड्डियां पाई जाती हैं, और इसी हड्डी को जो है क्या कहा जाता है, कसोरिक रज्जु कहा जाता है, या उसे जो है कशेरुक दंड भी कहा जाता है। तो आपको इन चीज़ों को जो याद रखना है, और यही कशेरुक हड्डी जो है इसी की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। अगर वहीं पर क्वेश्चन बना के पूछ दे कशेरुक दंड का पहला कशेरुक जो है क्या कहलाता है, तो देखिए कशेरुक दंड का जो पहला कशेरुक होता है उसे जो एटलस कशेरुक के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, एटलस कशेरुक। और इसका काम क्या है, तो यह जो है खोपड़ी को जो सीधा रखता है, क्या करता है, खोपड़ी को सीधा रखता है, और यह क्या करता है, तो यह जो है गर्दन और धर को जो है आधार प्रदान करता है, जिससे जो है मनुष्य जो है गर्दन और धर को जो है क्या करता है, किसी भी दिशा में जो है मोड़ सकता है। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है, ऑप्शन में दिया हुआ लगभग 70% पानी, 20-30% पानी, 10-20% पानी, 30-40% पानी, इनमें से कोई नहीं, 100 ज्यादा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, लगभग 70% पानी। देखिए अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछता कि नवजात बच्चों के शरीर में उसके बाहर का जो कितना प्रतिशत भाग जो है जल होता है, तो आपको जो है आंसर देना था क्या, तो 75% जो है भाग जो है जल रहता है। बच्चे के शरीर में कितना प्रतिशत भाग जल रहता है, तो 75% भाग। अब किसका, तो उसके शरीर का जो है 75% भाग जो है जल का रहता है। अब वही पूछ दे कि वयस्क पुरुष के शरीर में कितना भाग रहता है, तो वयस्क पुरुष के शरीर में जो है 60-65% जल का जो है भार रहता है। और वहीं अगर बात कर दें कि वयस्क स्त्री, जब पुरुष की बात की है तो वयस्क स्त्री की भी बात होनी चाहिए, तो वयस्क स्त्री की जो है कितनी होती है भार, तो जो है 55-60% जो है जल का जो है भाग होता है। तो आप बताइए इन चीज़ों से जो है हमें क्या पता चलता है, तो हमें यही पता चलता है ना कि हमारे शरीर का जितना भी भार है उसका अधिकतम भार जो है किससे प्राप्त होता है, तो हमें जल से ही जो है प्राप्त हो जाता है। इतनी चीज़ को जो है आपको याद रखना है। अब 14 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है तो किससे बना है, तो अभी बात की है जल से बना है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, जल हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत जो सबसे अधिक होता है, तो किसका होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑक्सीजन। देखिए मानव शरीर में जो है तत्व की जो बात करें, तो देखिए ऑक्सीजन रहता है, कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। अगर इनमें बात करें कि सबसे अधिक किसकी होती है, तो इनमें जो सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, तो फास्फोरस की होती है। इतना आपको याद रखना है। अब इसके अंदर जितने भी जो है तत्व आते हैं उसके बाद बताते हैं। तो ऑक्सीजन के तो 65% हो गया, 65%। वहीं अगर बात करें कि कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है, तो जो 18.5% होती है। हाइड्रोजन की बात करें तो 9.5% होती है। नाइट्रोजन की बात करें तो 3.2% होती है। और कैल्शियम की बात करें तो 1.5% यानी कि 1.5% होती है। और फास्फोरस तो आपको बता ही दिए 1% होती है। तो आप जो है ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में क्या सब लिखा है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन।
तो देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत था, 9.5%। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन था 3.2%। और वही बात करके कार्बन, तो 18.5%। तो सबसे अधिकतम कौन सा तत्व था, ऑक्सीजन, कितना प्रतिशत, तो 65.0%, यानी कि 65%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑक्सीजन। 16 नंबर का क्वेश्चन, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार जो कैल्शियम ही जो है मानव शरीर में जो है इसकी उपस्थिति कितनी होती है, तो 1.5 होती है, यानी 1.5% होती है। और फॉस्फरस की बात करें तो 1% होती है, और लोहा की बात करें तो उससे भी कम, और सोडियम की बात करें तो उससे भी कम। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा कैल्शियम। 17 नंबर का क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो दो बार जो है विकसित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए मानव के जबड़ों में जो कुल अगर दांत की बात करें तो 32 होती है। अगर बात करें कि इसके ऊपर के जबड़ों में कितनी होती है और नीचे के जबड़े में, तो देखिए ऊपर के जबड़े में जो है 16 दांत होते हैं और नीचे के जबड़े में भी जो है 16 दांत होते हैं। दोनों मिलाकर कितने हो गए, तो 32 हो गए। अब बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत जो कितने बार जो दोबारा दांत निकलते हैं। तो देखिए 20 दांत ऐसे होते हैं जो दोबारा निकलते हैं। और अगर बात करें कि इस दांत को क्या नाम से जाना जाता है, तो इस दांत को जो दूध के दांत के नाम से जाना जाता है। और ये दूध के दांत जो है क्या होते हैं, तो जो है ये झड़ जाते हैं और दोबारा जो व्यस्क अवस्था में निकलते हैं, और इससे जो है फिर नाम क्या दिया जाता है, तो अस्थायी दांत कहा जाता है। तो आपको जो है यहीं से जो है क्वेश्चन का आंसर पता चल जाता है, 20 दांत। अब देखिए आप बात करते हैं कि किन किन प्रकार के जो दांत जो है पाए जाते हैं। तो देखिए दांत जो है उसमें जो कृंतक, रडनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अगर बात करें कि कृंतक कितने पाए जाते हैं, तो देखिए प्रत्येक जबड़े के दोनों साइड में जो है दो कृंतक होते हैं, दो रडनक होते हैं, दो अग्रचवर्णक होते हैं और 3 चवर्णक होते हैं। अब अगर बात करें कि इनका काम क्या है, तो देखिए कृंतक का काम है भोजन को काटना, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर जो है आपको जो है पूछे जा सकते हैं। तो देखिए कृंतक का काम है भोजन को काटना, रदनक का काम है भोजन को फाड़ना, अगर चवर्णक और चवर्णक का काम क्या है, तो भोजन को पीसना है। अब बात कर लेते हैं इसके दांत के ऊपरी भाग को। तो देखिए इसके दांत के ऊपरी भाग जो है शिखर कहलाता है, और इसके मध्य की भाग जो है क्या कहलाता है, तो गिरीवा कहलाता है, और निचली भाग को जो है जड़ कहा जाता है। अगर वहीं पर क्वेश्चन पूछ दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव का सबसे कठोर या कहे तो मजबूत दांत जो है कौन सा है, तो आपको आंसर देना है इनामेल है, और इसे जो है हिंदी में जो दंत वलक कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपको दंत वलक लिख देगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, आप याद कर लीजिए इनामेल जो इंग्लिश शब्द है उसका जो है हिंदी में नाम क्या होता है, तो दंत वलक होता है। और ये दांत का काम की बात करें, तो ये दांत जो क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इतनी चीज़ जो है आपको जो है याद रखना है। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो मनुष्य के शरीर में जो पसलियों के जोड़े होते हैं कितने, तो 12 जोड़े होते हैं। अब 12 जोड़े के बाद आ गए तो कितना हो गया, तो 24 हो गया। और अगर पसलियों की बात करें, तो देखिए पसलियाँ जो है झुकी हुई होती है, और इस पसली में जो कौन कौन चीज़ रहता है, तो फेफड़ा और जो है हृदय जो है स्थित रहता है। अब देखिए 19वां नंबर का क्वेश्चन, दांतों पर जमी परतें बनी रहती है। बोल रहा है कि दांत पर जो परत जम जाती है वो किसके कारण जमी होती है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल, यानी कि मुंह से जो निकलने वाला जो अम्ल होता है वो, और बैक्टीरिया से। तो देखिए अगर आप भोजन करते हैं और उसके उपरांत जो अगर आप दांत की सफाई नहीं करते तो क्या होता है, यह भोजन जो आपके दांत पर चिपक जाता है, फिर क्या होता है, तो फिर जो है थूक के द्वारा जो है क्या होता है, तो एक टाइलिन जो है एंजाइम होता है वो निकलता है, और उसमें क्या होता है, तो उसमें अम्ल होता है, मुख अम्ल जिसे कहा जाता है, और वो मिलता है, और उसके बाद जो है क्या होता है, और वो जो है परत बना देता है। तो आपको इसका आंसर क्या देना है, इसे जो है आपको आंसर देना है डी देना है, भोजन के कारण थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया। इसी परत को क्या कहा जाता है, तो इसी परत को जो है आम भाषा में जो पायरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पायरिया भी कहा जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। तो कौन है हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग, तो अभी हम बताए थे इनामेल जो है सबसे कठोरतम होता है, और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ अस्थि, डेंटिन, सीमेंटम और दंतवलक। तो इनामेल का नाम ही जो है दंतवलक होता है, और यह जो सबसे अधिक जो है मजबूत होता है, दृढ़ होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। 21 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ होती है। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ जो होती है वो जो है जबड़े की जो है मांसपेशियाँ होती है। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 208 हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। बोल रहा है कि कौन होती है शरीर की जो है सबसे सर्वाधिक जो है प्रबल अस्थि। आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा भुजा में। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो यह कहाँ पाई जाती है, तो यह जो है अग्रभुजा में पाई जाती है।
तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब ये 25 नंबर का क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी, तो मुंह में पाई जाती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मुंह में। 26 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी जो सबसे लंबी होती है, तो मानव शरीर के किस अंग की जो हड्डी सबसे लंबी होती है, तो बताया था कि जांघ की हड्डी होती है, इसे जो फीमर कहा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जांघ। और देखिए 27वां नंबर का क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है, कौन सा तत्व जो है दांतों और हड्डियों में पाया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, पोटेशियम एवं कैल्शियम। 28 नंबर का क्वेश्चन, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, कौन जोड़ता है, तो जो है छोटी पेशी जो है क्या करता है, इन दोनों को जो है जोड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमजोर हो जाती है, तो यह जो है कोबाल्ट की कमी के कारण जो है वृद्धावस्था में जो मनुष्य की हड्डियाँ जो है कमजोर होती है। और 30वां नंबर का क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो कौन सा लवण होता है, तो फेरिक नाइट्राइड जो है अस्थियों में जो है यानी कि हड्डियों में जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन थे सारे को जो इस वीडियो में जो है डिस्कस कर दिए। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट डेज में। गुड नाइट, टेक केयर।